नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्जा पर नर्सिंग ट्रेन चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज फिर अपने एक नई नर्सिंग वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो सभी नर्सिंग के भाई बहन एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और पूरी वैकेंसी की जानकारी लीजिए कि कितनी पोस्ट है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है और किस तरह से आपका इन पोस्टों के लिए सिलेक्शन होने वाला है और किन किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो घंटी का निशान है उसको भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई नर्सिंग वैकेंसी की सूचना लेके आऊंगा या कोई नई नर्सिंग न्यूज या कोई नई नर्सिंग ट्रेंड लेके आऊंगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आज की नर्सिंग वैकेंसी की अपने बात करते हैं, तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जिस नर्सिंग वैकेंसी की अपने बात कर रहे हैं उसको निकाला है जिला स्वास्थ्य समिति अंगुल ने। आपको एक बात क्लियर कर दूं साथियों कि ये जो वैकेंसी है वो एनएचएम के तहत निकली है, तो एनएचएम के तहत निकली हुई वैकेंसी है वो प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होती है। अब पोजीशंस की बात करते हैं तो पोस्ट है स्टाफ नर्स और नंबर ऑफ वैकेंसी है 47। अच्छी वैकेंसी है, सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन अप्लीकेशन नहीं है साथियों, इसमें ऑफलाइन अप्लीकेशन आपको देने हैं और ऑफलाइन अप्लीकेशन देने की जो लास्ट डेट है वो है 28 नवंबर 2018। तो लास्ट डेट पास में आ गई है, जल्दी से जल्दी सभी साथी इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और इस वैकेंसी के लिए जो ऑफलाइन फॉर्म है उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड अदर टर्म्स और कंडीशन की बात करते हैं, तो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है उसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो दो स्टेप में होने वाली है। पहला स्टेप है फाइनलाइजेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एज पर कैरियर असेसमेंट और दूसरा है वो कंपेटेंसी बेस्ड स्किल टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका स्किल टेस्ट इसमें होने वाला है। इस तरह से आपका इन पोस्टों के लिए सिलेक्शन होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करें तो एज लिमिट है वो 21 से 32 साल तक है और साथ ही साथ इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की हुए कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो शर्त है वो ये है साथियों, जो अंगुल स्वास्थ्य समिति है ये उड़ीसा में पड़ती है, तो कैंडिडेट को उड़ीसा नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने उड़ीसा से नर्सिंग की है और उड़ीसा में जिनका रजिस्ट्रेशन है वो ही इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जिला स्वास्थ्य समिति अंगुल की वैकेंसी थी साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।